कैसे हैं सब? बढ़िया। तो क्या हाल है? मैं पूनम स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे, यानी कि दीदी की रेसिपी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े। तो शादी ब्याह में तो दही बड़े बहुत चाव से खाए जाते हैं, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, तो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसा कि आज बन रहा है दही बड़े, तो उसके लिए मैंने ली मूंग की दाल। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसे रात भर भिगोया था। आप उड़द की भी दाल ले सकते हैं। तो चलिए इसे धो के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं, यानी पीस लेते हैं इसे। और पेस्ट थोड़ा दरदरा ही बनाना है, तो चलिए पीस लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है मूंग की दाल को। अब इसमें हम डालूंगी हरी धनिया, कटी हुई लाल मिर्च, इसे पीस्ट कर नहीं डाल, हरी मिर्ची। और मैं हींग यहाँ पे देसी हींग डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने इसे पानी में डालकर पिघला लिया था, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है, इससे पेट ओट में दर्द कम होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूँ, नमक हमें थोड़ा ही डालना है, ध्यान रखें। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, हाथ से ही इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें हवा भरना है सही मायने में। तो इसे खूब अच्छे से फेंटना है, 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो दोस्तों ये देखिए, तो इसे आप पकौड़े तल लेते हैं इसके। दोस्तों यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है जो कि गर्म हो चुका है, तो मैं इसे टेस्ट करती कि गर्म हो चुका है ये। हाँ ये गर्म हो चुका है, तो अब हम सारे वड़े को तल लेंगे। पकौड़े देखिए कितने स्पॉन्जी बन रहे हैं और खाने में उतने कुरकुरे। हमें दोस्तों ना सोडा कभी नहीं डालना चाहिए, उससे ना तेल बहुत ज्यादा उठाता है, अब्सॉर्ब करता है तेल को। तो इसे पेट कर ही बनाए तो काफी स्वादिष्ट भी रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है, तो सोडे को अवॉइड करें। देखिए पकौड़े तल गए हैं, इन पकौड़ों को हम हरी चटनी के साथ भी सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितने क्रंची हुए हैं, मस्त लग रहा है ना, आएगा खाने में मजा। So, दोस्तों मैं पकौड़ों को पानी में भिगो लूंगी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ पानी में, ताकि पकौड़े एब्जॉर्ब कर लें। तो पकौड़ों को मैं 10 मिनट के लिए भिगाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकौड़ों को पानी में, और तब तक हम मीठी चटनी बनाएंगे इमली की। मीठी चटनी के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1 कप इमली का पानी लिया है, जो मैंने रात भर इमली को भिगोया था, इसमें डाल दे रही हूँ मैं। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। चीनी डालूंगी, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं जी। इसे हम अच्छे से पका लेंगे, इसे तैयार हो जाएगी मीठी मीठी चटनी, तैयार हो जाएगी। इस चटनी को हम फ्रिज में रख के 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल कर सकते। तो फ्रेंड्स अब हरी चटनी बना लेते हैं। तो हरी चटनी के लिए देखिए मैंने क्या लिया है, ये भुजिया लिया है, हरी धनिया, हरी मिर्च और ये अदरक, लहसुन। तो इसे हम फाइन पीस लेते हैं और ये चटनी तैयार हो गई है, हरी चटनी। तो चलिए अब सर्व करते हैं। अब ये सारे वड़े में से पानी कुछ इस तरह से हाथों को दबा के निकालूंगी, याद रहे कि ज्यादा जोर से नहीं दबाना है। ये देखिए मैंने दबाया तो भी ये नहीं टूटा है, तो मैं सभी वड़ों का पानी ऐसे निचोड़ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश दही ली है, देखो मैंने खुद जमाया था। तो मैं मथनी से इसे मथ लूंगी, इसे पानी नहीं डालूंगी, इसे मथ लूंगी मैं अच्छे से। तो मैं दही में वड़ों को डाल रही हूँ। तो मैं पूरी दही में ही वड़ों को डाल रही, इससे क्या रहता है ना, ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। कुछ लोग ऐसे वड़े को अलग से कटोरी में डालते हैं और उसके ऊपर से दही डालते हैं, तो मुझे इस तरह से ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये पूरा दही अब्सॉर्ब कर लेता है ना, तो खाने में बहुत ही
नरम नरम आते हैं। तो फ्रेंड्स दही वड़े तैयार हो गए हैं, तो मैं कटोरी में निकाल ले रही हूँ। तो ये मैंने जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा नमक, हमें थोड़ा ही डालना है, तो मैं यहाँ पे काला नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और मैं थोड़ी सी चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी भुजिया भी डाल दे रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये भुजिया भी डाल दिया है। तो ये दही वड़े तैयार हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने मूंग के पकौड़े कुछ बचा के रखे थे इसे हरी चटनी के साथ खाने के लिए, तो हरी की चटनी के साथ ये बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी रेसिपी को ट्राई करिए। ये कितना, मैं इसे काट के दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना है, ये देखिए। और मुझे लाइक शेयर कमेंट करते रहें कि ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।